हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में मेन स्टैंडर्ड साइंस का एट चैप्टर दैट इज़ पॉल्यूशन, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के जनरेशन के लिए, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। अब पॉल्यूशन जो नाम है चैप्टर का, इससे आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर है क्या। ठीक है, जो पॉल्यूशन है सबसे मेजर प्रॉब्लम है आज के जनरेशन का। जो हम लोग का प्लानट अर्थ है वो डेंजर में जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया में, कि जो क्लाइमेट है, ठीक है, पूरा ख़राब हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। एनवायरनमेंट पूरा जो ग्रीन से था, ग्रीनरी था, जो हम लोग का प्लानट अर्थ पहले प्रॉपर ग्रीन था, अभी पूरा ऐसा रेडिश ब्राउन हो गया है पॉल्यूशन के वजह से। सो क्या है चैप्टर में हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे तीन डायग्राम दिया है। सो वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे थोड़ा वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, ये भी एयर पॉल्यूशन ही है। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है हम लोग के प्लैनेट के ऊपर, और धीरे 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 करके अब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो प्लैनेट अर्थ है वो खतरे में है। क्योंकि जो साइंटिस्ट्स है अभी बोल रहे हैं कि थोड़े सालों के बाद, कुछ सालों के बाद, 20-30 सालों के बाद, बाय 2050, मतलब सी 30 ईयर्स इन द लाइन, जो प्लैनेट अर्थ है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा कि ह्यूमंस को सांस लेने को भी नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए चैप्टर है तुम लोग को कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग प्लैनेट अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो आगे के जनरेशन है उन लोग को ज़िंदगी अच्छा मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। नाउ मेनी प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ऑन द अर्थ ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। अभी ये तो सबको पता है कि जो अर्थ है, हम लोग का प्लैनेट अर्थ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। किसके वजह से? ह्यूमन लोग के वजह से। ह्यूमन बींग्स ही मेन प्रॉब्लम है ये। अभी हम लोग ह्यूमन्स ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन रेस है उसका माइंडसेट क्या है कि हर कंट्री सोचता है कि हम लोग दूसरे कंट्री से ज़्यादा अच्छा है। हर इंसान वही सोचता है कि मैं दूसरे इंसान से ज़्यादा अच्छा हूँ। तो वो प्रूफ करने के लिए ह्यूमंस कुछ ना कुछ तो हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, अब इतना तो पता है कि दुनिया में, जो पूरा हिस्ट्री में ऑफ मैनकाइंड, दो बार वर्ल्ड वॉर हो चुका है। अब वर्ल्ड वॉर किया, उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, बहुत सारे इंसान लोग मर गए, ठीक है, प्लैनेट अर्थ को भी नुकसान हुआ, जो भी बॉम्ब्स एंड ऑल फेंके गए थे, ठीक है, सब कुछ जल गया था, सिटी बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ठीक है, अब उससे आउटपुट तो कुछ आया नहीं। वो लोग ने वर्ल्ड वॉर किया, झगड़ा किया, इतने लोगों को मारा, करोड़ लोग मर गए, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे बॉम्बिंग्स हुए। ठीक है, अब ये सब किसने किया? एनवायरमेंट ने तो किया नहीं, ना ही एनिमल्स ने किया। ठीक है, किसने किया? ह्यूमंस ने। कुछ रीज़न तो था नहीं उसके पीछे, सिर्फ बताना है कि मेरा कंट्री ज़्यादा ऊपर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि मैनी प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ऑन दी अर्थ ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन के इंटरफेरेंस के वजह से ही प्लैनेट अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक है, नाउ उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो फैक्ट्रीज चलती है, ठीक है, अब फैक्ट्री चलाने के लिए आपको चिमनी लगाना पड़ता है। कुछ भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है, थोड़े बहुत पानी में चले जाते हैं, थोड़ा धुआं निकलता है, फिर वाटर पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इंक्रीज होना, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी चलता है तो उसमें से भी धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब जो हार्मफुल गैसेस है, और ये सब जो गैसेस है वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत डेंजरस है, आपको लंग्स के लिए भी बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के वजह से, और फिर यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम लोग जो भी फार्मिंग करते हैं तो फ्रूट या वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा आने के लिए ये लोग इंजेक्शन यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है? हार्मफुल है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन हम लोगों को अगर पैसा कमाना है तो ये सब वो लोग करते ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है? दे आर कॉजिंग पॉल्यूशन ऑन अर्थ। वॉट दे आर कॉजिंग? पॉल्यूशन ऑन अर्थ, और दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स। कर भी हम लोग रहे हैं और इसका जो नुकसान है वो भी हम लोग को ही सहना पड़ रहा है। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? नाउ पॉल्यूशन, अब जहाँ पे पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या दिया है, कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। कंटामिनेशन मतलब कुछ भी चीज़ को ख़राब कर देना। ठीक है, कौन से भी चीज़ को ख़राब कर देना,
ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, हम लोग का जो इन्वायरमेंट है प्लैनेट अर्थ का, दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। जो हार्मफुल रहेगा, जो अच्छा नहीं रहेगा, जो बहुत ज़्यादा खराब रहेगा इकोसिस्टम के लिए, इकोसिस्टम मतलब हम लोग का एनवायरनमेंट ही हुआ जिसके अंदर लैंड, एयर, अर्थ सब कुछ आ जाता है, ठीक है। लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सबको मिलके क्या बनता है हम लोग का इकोसिस्टम। तो अगर आप कौन से भी नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब करके, अगर वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी और हम लोग के प्लैनेट अर्थ के लिए भी हार्मफुल है, वो अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, पॉल्यूशन ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। कौन से भी चीज़ को ख़राब करना एनवायरनमेंट में, कौन से भी एक फैक्टर को ख़राब करना, अगर मैं पानी के अंदर, ठीक है, सपोज कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट डाल रहा हूँ या कपड़े को धो रहा हूँ, ठीक है, या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो पानी खराब हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और जो चीज़ पानी को खराब करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। जो चीज़ खराब कर रहा है वो होता है पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, और जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स मेक द एनवायरमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्दी। यही जो चीज़ है जो मैंने बोला, जो चीज़ हम लोग के एनवायरमेंट को पॉइजनस और अनहेल्दी सब खराब कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है, ठीक है, और बहुत सारे डेंजरस गैसेस है। फिर अगर हम लोग कपड़ा धो रहे हैं नदी के अंदर, तो हम लोग कपड़ा धोने के बाद जो कपड़े में से जो गंदगी निकल जाती है, फिर जो साबुन का पानी है वो जाके नदी को ख़राब कर देता है, तो ये एक टाइप का पॉल्यूटेंट हुआ, ठीक है। सो पॉल्यूटेंट्स में भी नेचुरल और मैनमेड, कौन से पॉल्यूटेंट्स ऑलरेडी नेचर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं, और जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं, ह्यूमंस बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनमेड, ठीक है, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो इंसान लोग बनाते हैं। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचर्स रूल, हाउएवर मैनमेड पॉल्यूटेंट्स आर नॉट, ठीक है। सो इफ नेचुरल मटीरियल्स आर पॉल्यूटेंट्स, व्हाई वी डू नॉट परसीव देयर एडवर्स इफेक्ट्स ड्यूरिंग देयर यूज, ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इमेज दी है कि पहले हम लोग का प्लैनेट अर्थ कैसे था, एकदम अच्छे से ग्रीनरी, एक रेनबो है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, पंछियाँ उड़ रही है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से देखो सब जो झाड़ है, जो फॉरेस्ट है, सब मर गए, पूरा रेड ब्राउन हो गया हम लोग का एनवायरनमेंट, सांस लेने को नहीं होगा, और एट द एंड तकलीफ किसको होगा, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। सो जो फर्स्ट टाइप है पॉल्यूशन का, दैट इज एयर पॉल्यूशन। अब सबको पता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एयर पॉल्यूशन मतलब जो हम लोग के एनवायरनमेंट, जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो हवा है आजू बाजू हम लोग के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर। अब इतना तो सबको पता है, हम लोग जो सांस लेते हैं वो हम लोग के एनवायरनमेंट में से जो एयर रहता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन और बाकी जो दूसरे गैसेस है उसको ही हम लोग इनहेल करते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ नोज, हम लोग के नाक के मदद से, ठीक है। अब अगर हम लोग ने हम लोग के आजू बाजू का जो एयर है उसको ही ख़राब कर दिया, उसको हम लोग ने पल्यूट कर दिया, तो हम लोग वही सेम हवा को हम लोग के बॉडी के अंदर ले रहे हैं। अब यहाँ पे बताओ नुकसान किसका हुआ, हवा का नुकसान हुआ कि हम लोग का नुकसान हुआ? ऑब्वियसली हम लोग का होगा, क्योंकि हम लोग ने वही खराब हवा जो हार्मफुल है, ठीक है, जो डेंजरस है, वो हम लोग के बॉडी के अंदर ले लिया। अब उससे जो हम लोग का लंग्स है, जो नोज़ है, उसमें थोड़ा तकलीफ होगा, फिर हम लोग क्या हो गए, बीमार हो जाओगे, ठीक है। सो कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक पॉइजनस गैसेस। अब इतना तो पता है कि जो हम लोग का नेचर है उसके अंदर जो कुछ कुछ गैसेस है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक है, वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। स्मोक, धुआँ, ठीक है, सिगरेट का हो सकता है, गाड़ी में से निकलता हुआ धुआँ हो सकता है, फैक्ट्रीज में से निकलते हुए स्मोक हो सकते हैं, पर्टिकुलर मैटर कुछ ना कुछ, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, एयर पॉल्यूशन। अब अगर ये सेम एयर पॉल्यूशन जिसके अंदर खुद ख़राब गैस है या धुआँ है, हम लोग वही सेम एयर को अगर हम लोग ने हम लोग के बॉडी के अंदर लिया, तो हम लोग क्या होगा, बीमार, ठीक है।
यहाँ पे देखो फैक्टर्स है कुछ, यहाँ पे अगर जंगल जल रहा है ठीक है तो जो धुआं निकलता है जलने के बाद वो थोड़ा डेंजरस है, यहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शन है, ये तो नेचुरल कॉज है, इसमें ह्यूमन बींग्स कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके अंदर से बहुत सारे गर्म हवा निकलती है, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड और बहुत सारे डेंजरस गैसेस भी निकलते हैं, स्मोक भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो गाड़ी में से निकल रहा है ठीक है, बाइक स्कूटर कार एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें दैट एयर पॉल्यूशन को मैटर करता है। अब इसके रीज़न क्या है, सबसे पहला तो नेचुरल, जो नेचुरल है उसके अंदर इंसान लोग कुछ नहीं कर सकते, वो नेचर का कॉज है ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं क्यों, क्योंकि ये मैन मेड है, अगर ये हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ परसेंटेज से एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं ठीक है। सो जो नेचुरल रीजंस क्या है, वोल्केनिक इरप्शन जैसे कि आप पे बोला, तो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो सॉलिड एंड गैशियस लिक्विड मटेरियल्स उसके बाहर आते हैं, यहाँ पे देखो जो मैंने बोला हाइड्रोजन सल्फाइड जो बहुत डेंजरस है, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन वेपर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अब ये सब चीज़ अगर कौन से नॉर्मल इंसान ने अंदर ले लिया हम लोग के बॉडी के ठीक है, तो हम लोग का जो लंग्स है ऑलमोस्ट 10% खराब हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ेगा ठीक है। अर्थक्वेक, अब जब अर्थक्वेक होता है तो उसके अंदर से भी पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, वाटर वेपर आता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अर्थक्वेक सबको पता क्या होता है, भूकंप ठीक है। साइक्लोन जो मोस्टली हम लोग के मुंबई अभी जस्ट लास्ट 2-3 मंथ्स पहले एक साइक्लोन आया था ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना नुकसान हुआ था उसके वजह से। फिर फॉरेस्ट का फायर्स, जब जंगल में आग लग जाती है तो जब सब जल जाता है ठीक है, लकड़ा जलता है सब कुछ जलता है, उसमें से जो मट्टी रहती है फॉरेस्ट के पत्ते जलते हैं, फॉरेस्ट के अंदर अगर कुछ प्लास्टिक या दूसरा कुछ वेस्ट रहेगा तो वो भी जल जाता है ठीक है, तो उसमें से भी ये सब गैसेस के नाम है ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी जो गैसेस है वो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट टाइप्स के, छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगस वो भी है। अब जो मैन मेड है सबको पता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो रोड के ऊपर हम लोग पॉल्यूशन करते हैं दैट इज कार बाइक बस जो व्हीकल्स है ठीक है, जो गाड़ियाँ है उसके साइलेंसर में से जो धुआं निकलता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों बहुत हार्मफुल है। फिर नाइट्रोजन भी रहता है सल्फर भी रहता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा ठीक है। फिर बर्निंग ऑफ सॉइल वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट ठीक है, कुछ भी हम लोग ने फार्मिंग किया फिर उसमें से जो खराब चीज़ें बच गई उसको हम लोग ने जला दिया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है ठीक है, जो फैक्ट्रीज है और अलग टाइप के इंडस्ट्रीज है, कुछ भी इंडस्ट्री हुआ आप अगर कपड़ा बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो खाना पीना तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलता है ठीक है, धुआं निकलता है चिमनी में से तो वो भी क्या है एयर पॉल्यूशन। फिर एटॉमिक एनर्जी जो साइंस वाले फील्ड है वहाँ पे जो जो रिसर्च होता है ठीक है, तो रिसर्च करने के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस यूज करते हैं, तो जब सब कंप्लीट हो जाता है तो जो वेस्ट बच जाता है ऑब्वियसली आपको किधर ना किधर तो बाहर फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ये सब क्या है, रेडिएशन रिलीज करता है हवा में, और रेडिएशन सबसे डेंजरस चीज़ है हम लोग ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक है। तो ये थे नेचुरल एंड दिस इज मैन मेड, बहुत ईजी है कुछ हम लोग को आदेश, ये सब तो हम लोग ने रियल लाइफ में देखा है ठीक है। फॉरेस्ट फायर सब ने सुना रहेगा जो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली हुआ था और इंडिया में भी हुआ था ठीक है, साइक्लोन तो आता रहता है, अर्थक्वेक भी पता है, वोल्केनिक इरप्शन इंडिया में होता नहीं क्योंकि एक भी वोल्केनो है नहीं, मैन मेड रीजन तो हम लोग खुद भी करते हैं, हम लोग खुद गाड़ी चलाते हैं ठीक है, हम लोग कुछ ना कुछ तो वेस्ट, अभी दिवाली आएगा ठीक है हम लोग फटाके फोड़ेंगे तो उसकी वजह से भी थोड़ा एयर पोल्यूशन होगा ठीक है। तो ये सब क्या है मैन मेड रीजन जो ह्यूमन बींग्स करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ हम लोग को सर्च करने बोला है कि इंटरनेट के ऊपर कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लार्जर वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में जो वोल्केनोज प्रेजेंट है उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर सकते हो तो कर लो, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम लार्ज सिटीज एंड विलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र, तो एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बींग्स जो बीमारी हो रहे हैं ठीक है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने बोला है महाराष्ट्र के अंदर जो
डिफरेंट शहर और गांव है उसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री में कुछ दिया गया है कि देयर हैड बीन अ थिक फॉग इन लंडन ड्यू टू एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग 5th to 9th December 1952। मतलब ऑलमोस्ट 50 साल पहले की बात है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो कैपिटल है दैट इज लंडन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, थिक फॉग आया था। फॉग सबको पता है क्या होता है, ठीक है, अगर आप हिल स्टेशन पे जाओगे, माथेरान, महाबलेश्वर या लोनावला भी जाओगे विंटर सीजन में, ठीक है, या मुंबई में भी कभी कभी फॉग देखने को मिलता है, लेकिन वो मोस्टली फॉग नहीं होता, वो स्मॉग होता है, ठीक है, मतलब जब प्रॉपर फॉग और एयर पोल्यूशन में से जो स्मोक है, ठीक है, वो जब ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉग। लेकिन जो फॉग है वो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, वो नेचर होता है, जो नेचुरल रहता है उसको हम लोग फॉग बोलते हैं, और जो पोल्यूशन की वजह से बनता है उसको हम लोग स्मॉग बोलते हैं, SMOG, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पोल्यूशन की वजह से लंदन में एक बहुत ज़्यादा थिक फॉग आया था, सबको पता है वाइट वाइट कलर का जो धुआं रहता है जो मोस्टली विंटर सीजन में देखने मिलता है, ठीक है। नाउ स्मोक ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल हैड बीन मिक्स्ड, ठीक है, जो कोल है, कोयला, काला कलर का कोयला, उसके जलने की वजह से वो नेचर के अंदर जो एनवायरमेंट है लंदन का उसके वजह से मिक्स हो गया था और डार्क शैडो बन गया था, काला कलर का शैडो बन गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉग। अब भी जो मैंने बोला दैट इज स्मोक प्लस जो नेचुरल फॉग है, ठीक है, और उसकी वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा धुआं धुआं हो गया था। और एक है 1948 पीटर्सबर्ग वॉज नेम्ड एज ब्लैक सिटी। पीटर्सबर्ग एक सिटी है, शायद से जर्मनी के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे नेम क्या दिया था, ब्लैक सिटी। क्यों दिया था ब्लैक सिटी, क्योंकि उसका जो स्मोक है वो भी सेम ऐसे ही पूरा सिटी के अंदर पूरा फैल गया था और काला काला हो गया था, ठीक है। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत डेंजरस है स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे एक टेबल दिया है कि टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे जो डेंजरस गैसेस है उसका लिस्ट दिया है, ठीक है, ये नेम है, ये जो वर्ड है यहाँ पे इसका कुछ मीनिंग नहीं, ये नाम है डेंजरस गैसेस का, जो हार्मफुल गैसेस है वो, सल्फर डाइऑक्साइड ये नेम है, ये उसका सिंबल है, अब सबको पता है सिंबल क्या होता है, हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मैटर, कुछ तो डस्ट, पेस्टिसाइड्स, मीथेन, ये सब चीज़ क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ एयर पोल्यूशन कॉज करता है, ये सब चीज़ के वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ आती किधर से है, सल्फर डाइऑक्साइड किधर से आता है, फैक्ट्रीज से, ठीक है, जिधर कोल जल रहा है या मिनरल ऑयल जल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड किधर से आता है, गाड़ी और इंडस्ट्री से। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, गाड़ी वापस से, व्हीकल से। पर्टिकुलर मैटर वापस से गाड़ी और इंडस्ट्रियल। तो मोस्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी एयर पोल्यूशन कहाँ से आ रहे हैं, फैक्ट्रीज से या गाड़ी से, ठीक है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है फैक्ट्री में से, या तो अपना कार, बाइक एट्सेट्रा। अब इसके वजह से क्या क्या होता है देखो, इरिटेशन ऑफ आइस, आइस में कुछ खराबी आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होता है, खांसी आता है, ब्रेथ, लंग्स में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। यहाँ पे देखो सब ये सब जितने भी प्रॉब्लम है ना, स्किन कैंसर होता है, किधर किधर अस्थमा होता है, ये जितने भी बीमारी है देखो, यहाँ पे सब में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन कम हो गया, आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, मतलब इन शॉर्ट एयर पोल्यूशन की वजह से आपका जो लंग्स है वो खराब होगा। अगर आपका लंग्स ही खराब होगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे और एक कुछ जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि वर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हैड बीन ऑकर्ड इन भोपाल। ये सबको पता है, अगर आपको नहीं पता रहेगा, ये शायद से हिंदी में एक चैप्टर भी है इसके ऊपर, भोपाल गैस ट्रेजेडी उसका नाम है, कि क्या हो गया था कि 2nd December 1984, 30 साल पहले की बात है, कि 8,000 पीपल हैड बीन डाइड। देखो यहाँ पे कितने लोग, 8,000 लोग मर गए थे, मर गए थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट से गैस लीक हो गया था। क्या हो गया था, गैस लीक, इसलिए वहाँ पे नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो भोपाल का जो गैस का जो एक्सीडेंट हुआ था, कि रात को कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे, इसकी वजह से जो फैक्ट्री था उसके में से जो गैस था वो लीक होने लगा था, और किसको समझा ही नहीं क्या हुआ, वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया और
8,000 लोग मर गए थे, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अब ह्यूमन बींग्स में जो इफेक्ट हो गए वो हम लोग ने देख लिया कि आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है, आपका लंग्स खराब हो सकता है, ठीक है, आपको आईज में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम लोग के अलावा भी जो प्लैनेट अर्थ है उसके ऊपर और दो मेन चीज़ें, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से प्लांट्स में देखो क्या क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है, ठीक है, स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा और लोग मर जाएंगे, ग्रोथ इज रिटार्डेड, जो प्लांट्स है या ट्रीज है वो बड़ा नहीं होगा, वो छोटे ही उम्र में मर जाएगा, ठीक है। एनिमल्स सेम, अब एनिमल्स और हम लोग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो इसलिए उन लोग को भी रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम होगा, मतलब सांस लेने में तकलीफ। स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना, हिंदी में हम लोग उसको सांस लेना बोलते हैं, हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर लेना। एंड सेकेंड टाइप इज ऑल्सो इरिटेशन ऑफ आइज, मतलब आइज भी खराब हो सकता है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो वो हम लोग ने जस्ट देख लिया। अब आगे क्या देखते हैं हम लोग, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। अब ये जो लेयर है स्टूडेंट्स आप ये अंडरलाइन करके रख दो, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है। हम लोग का जो प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, हम लोग का जो प्लैनेट अर्थ है, तो जो आसमान है, जो एयर है, ठीक है, ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो हाइट दिया है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऊपर, हाँ आसमान की तरफ बोल रहा हूँ मैं, लैंड जमीन पे नहीं बोल रहा हूँ, आसमान की तरफ ऊपर की तरफ, कितना 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर मतलब कितना हुआ स्टूडेंट्स पता है, आप अभी हम लोग अगर कुरला से देखोगे तो अगर आप कुरला से सीएसटी भी बोलते हो तो कुरला से सीएसटी भी 17 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब आप ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कुरला से कल्याण तलक, ठीक है, ठाणे से भी बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। सो मतलब इतना दूर, इतना ऊपर एक लेयर है, क्या है एक लेयर, वो लेयर का नाम क्या है, ओजोन लेयर। जैसे अगर आप, मैंने आपको ये स्किन बोला, ठीक है, तो जो मेरा स्किन है ये स्किन के ऊपर एक लेयर रहता है, क्या रहता है, एक लेयर है, ठीक है, ये जो ऊपर का स्किन है मेरा, उसके नीचे फिर 4-5 और लेयर है। अब जो सबसे ऊपर का स्किन है वो क्या करता है, मेरे अंदर वाले लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो हम लोग का प्लैनेट अर्थ है वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है जिसका नाम क्या है, ओजोन लेयर, ठीक है, सबको पता है, वी हैव स्टडीड ओजोन लेयर दैट इज प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर उसके ऊपर है एट द हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब धरती से वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है। अब ये जो ओजोन लेयर का काम क्या है मालूम है, ये हम लोग के प्लैनेट अर्थ को बचाता है, दैट इज प्रोटेक्ट करता है। अब किससे बचाता है, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, सन। अब जो सन है हम लोग को लाइट भी देता है और गर्मी भी देता है, लेकिन उसके साथ सन और एक चीज फेंकता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये जो यूवी रेज है ये प्लैनेट अर्थ में रहने वाले जितने भी प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब डेंजरस है, वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सो जो ओजोन लेयर है वो हम लोग को ये यूवी रेज से बचाता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया मालूम है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, क्लाइमेट इतना ख़राब हो गया, इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो गया कि हम लोग का जो ओजोन लेयर है जो हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, क्या रहा है वो खत्म हो रहा है। अब ऐसा टाइम आएगा 50-100 साल के बाद कि ओजोन लेयर पूरे से पूरा खत्म हो जाएगा। अब अगर ओजोन लेयर ही नहीं रहेगा तो हम लोग को सन से जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज निकल रहे हैं, ठीक है, यूवी रेज निकल रहे हैं, रेडिएशन आ रहे हैं सन से, हम लोग को कौन बचाएगा, ठीक है। सो इसलिए हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो ओजोन लेयर है उसको संभाल के रखें। अब ओजोन लेयर क्यों खराब हो रहा है, ऑब्वियसली पोल्यूशन की वजह से, क्यों खत्म हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से। नाउ दैट इज
ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये भी सबको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि ओजोन लेयर थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते जा रहे, इसके वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है आप देख सकते हो कितना गर्म हो रहा है हम लोग का प्लैनेट अर्थ। अभी जो अक्टूबर में जो गर्मी था सबसे ज़्यादा था, ठीक है, जो आइस है हम लोग का, जो बर्फ़ है, ठीक है, अंटार्कटिका में और जो नॉर्दर्न साइड में जितने भी बर्फ़ है वो सब पिघल रहे हैं। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्योंकि गर्मी इतना हो गया है कि सब पिघल रहा है। अब अगर जो प्लैनेट अर्थ में, ठीक है, जो आइस है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो अंटार्कटिका है और जो नॉर्थ साइड में जितने भी आइस है, जो बर्फ़ है, अगर पिघल जाएगा तो वो पिघल के किधर जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली पानी में, समंदर में। अब उसकी वजह से क्या होगा? अब अगर सपोज पानी इतना है, ठीक है, ये बर्फ़ है ऊपर, ये अगर पिघल गया, ये मेरा लैंड है, ठीक है, ये क्या है? मेरा लैंड, ये है वाटर और ये है आइस। अब अगर ये जो आइस है, जो बर्फ़ है, अगर सपोज पिघल गया, पिघल के किधर जाएगा? ओशन, समंदर के अंदर, और भर भर के ऐसा ऊपर आएगा, पानी का जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब ज़्यादा पानी हो जाएगा। अब अगर सपोज जो जितने भी बर्फ़ प्रेजेंट है हम लोग के प्लैनेट अर्थ पे, अगर सब पिघल जाएगा, सब पिघल गया, तो मतलब ये जो पानी स्टार्टिंग में इतना था वो अब इतना हो जाएगा। और फिर क्या होगा? इसकी वजह से जो हम लोग का लैंड है, जिधर हम लोग रह रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हम लोग का, जो सिटीज़ है, वो एक दिन पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। नाउ दो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, दो जो कार्बन डाइऑक्साइड है भले ही बहुत कम है हम लोग के एटमॉस्फेयर के अंदर, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलार हीट। क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? जो भी सोलार हीट आ रहा है, सोलार हीट मतलब जो सन है, जो हम लोग को जो गर्मी दे रहा है, जो हीट दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलार हीट। अब ये जो सोलार हीट है इसको कौन अब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है जो सोलार हीट को अपने अंदर ले लेता है। नाउ ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में, ठीक है, द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो इंडस्ट्री की वजह से, जो फैक्ट्रीज है उसकी वजह से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है। नाउ इफेक्ट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ एट टेम्परेचर इज नथिंग बट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, ठीक है, आप लिख के ले लो, ठीक है, ये वीडियो के साथ साथ आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख के ले लो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज मतलब ज़्यादा होना ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन है, जो परसेंटेज है हम लोग के प्लैनेट अर्थ में, वो क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया है। नाउ इसकी वजह से क्या हो गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया और ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ठीक है। नाउ सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CFC, ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया है? जो गर्मी है वो इसके अंदर फंस जाता है, बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो सोलार हीट है, ये सब देखो, सोलार हीट सन से आ रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर घुस गया, ये ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, अब अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो ये अंदर आ जाएगा प्लैनेट अर्थ के। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो गैसेस है ज़्यादा हो गया, तो अभी फॉर बेस्ट एग्जांपल, जितना बड़ा थैली आप उसके अंदर उतना ज़्यादा सामान डाल सकते हो, बराबर, जितना बड़ा बाल्टी, जितना बड़ा ग्लास आप उसके अंदर ज़्यादा पानी डाल सकते हो। तो अगर जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड, जितना ज़्यादा मीथेन, उतना ज़्यादा सोलार हीट अब्जॉर्ब होगा, और जितना ज़्यादा सोलार हीट अब्जॉर्ब होगा उतना अपने को गर्मी लगेगा प्लैनेट अर्थ के ऊपर। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो पिघल जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग एक दिन डूब जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो ग्लोबल टेम्परेचर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब भाई इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सोलार हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर देता है। नाउ ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग। अब अगर इतना गर्मी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा, जो हम लोग के आइसबर्ग है वो पिघलेंगे, ठीक है, पानी का लेवल बढ़ जाएगा,
एनिमल्स भी थोड़े बहुत डेंजर में आ जाएंगे, और एट दी एंड जो हम लोग का जो ह्यूमन रेस है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी के लिए ये वीडियो में इतना काफ़ी है। आप जितना पढ़ा है वो अच्छे से एक बार रीड करना, जो आगे के टॉपिक है दैट इज़ एसिड रेन, और ये जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।